फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक ब्रंच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, राइस पूरी। इसको आप किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ, कोई भी सब्जी, छोला, चिकन या कोई भी अपने पसंद की सब्जी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं आज राइस पूरी को आलू और काले चने की सब्जी के साथ सर्व करूंगी। राइस पूरी के लिए मैंने 2 कप राइस इस कप से मैंने लिया था, ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। जितना हम सोक्ड राइस लेंगे उतना ही हम बॉइल्ड राइस भी लेंगे, ये पका हुआ राइस है। राइस आप कोई भी ले सकते हैं अपने पसंद का। मैंने बासमती का स्मॉल ग्रेन राइस लिया है। सोक्ड राइस और कुक्ड राइस का पेस्ट बनाएंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जितना आप सोक्ड राइस लेंगे उतना ही कुक्ड राइस लेंगे। दोनों को जार में डालेंगे, ये कुक्ड राइस भी डाल देंगे। इसको 2 अंडे के साथ पेस्ट बना लेंगे। जो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं वो अंडे को स्किप कर दें और पानी के साथ पेस्ट बना लें। ये मैंने सोक्ड राइस, कुक्ड राइस और एग के साथ पेस्ट बना लिया है। अब इसमें ग्रीन चिली मैं 2 डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। 1 कैरोट ग्रेटेड और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इसको मिक्स करके एक डोसे जैसा घोल तैयार कर लेंगे। अब मैंने पानी डाल के इस कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लिया है। ये देखिए, ऐसा घोल तैयार कर लेना है बस, और इसका पूरी फ्राई कर लेना है। पैन में तेल लेंगे और जीरा, स्टोन फ्लावर, दालचीनी 2 स्टिक छोटे छोटे, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा सा स्टोन फ्लावर और 1 टीस्पून जीरा। तड़का डालेंगे, तड़का को क्रैकल होने देंगे। मैंने 1 ऑनियन, 2 टोमेटो, 2 ग्रीन चिली और 1 इंच जिंजर का पेस्ट बना लिया है। तड़का क्रैकल हो गया है, अब ये पेस्ट डाल देंगे। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और होममेड किचन की मसाला 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया। अब मसाले को तेल छोड़ने तक भुनेंगे। मेरा मसाला तेल छोड़ने लगा है। मैंने 3 आलू मीडियम साइज के उबले हुए लिए हैं, इसको डाल दूंगी और थोड़ी देर मसाले को आलू के साथ ही भूनूंगी। 1 मिनट आलू को मसाले के साथ भूनने के बाद मैंने 1 कटोरा भर के उबला हुआ काला चना लिया है, ये डाल दूंगी। थोड़ा डालूंगी, थोड़ा मैं रख लूंगी, जिसको हाथ से मैश करके फिर डालूंगी। ये मैंने बाकी चने को भी मैश कर दिया है, ये भी डाल दूंगी। और मैं ये ग्रेवी डाल दूंगी। ग्रेवी अपने हिसाब से डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी और 5 से 7 मिनट इसको मीडियम आंच पे पकने दूंगी।
जब तक मेरी सब्जी पक रही है मैं पूरी फ्राई करके निकाल लूंगी। और मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स, अंडा देख के प्लीज आप इस डिश को देखना बंद मत कर देना। ये विदाउट एग्स भी बहुत ही अच्छा बनता है, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। मेरी पूरी बन गई है। इसी तरह से सारी पूरी मैं बना के निकाल लूंगी। मैंने सारे पूरी फ्राई कर लिए हैं, सब्जी भी मेरी रेडी हो गई है। थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल दूंगी। आप इस राइस पूरी को एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं चटनी के साथ। और अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें।